वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो आज हमारा लास्ट जो मार्केट है ओलिगोपोली मार्केट, वो पढ़ने वाले हैं। ओलिगोपोली जो है, इसका मैं जस्ट मीनिंग बता दूँ आप। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, यानी कि थोड़े से, है ना, और पोली का मतलब होता है सेलर। यानी ओलिगोपोली मार्केट वो मार्केट होगा जहाँ पे कुछ ही सेलर होते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ़ सेलर्स होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ कुछ ही सेलर होते हैं, बेचने वाले जो हैं। जैसे वो जो प्रोडक्ट है ना, वो सिर्फ कुछ ही कंपनीज़ के पास होता है, तो मतलब कुछ ही फर्म्स होती हैं, कुछ ही सेलर होते हैं जो उस तरह का प्रोडक्ट बेचते हैं। सो ठीक है, अब हम इनको डायग्राम, मतलब जो हमारा बनाया ना, यहाँ से समझते हैं। सो ओलिगोपोली में सिर्फ कुछ ही सेलर होंगे। सेकंड की ओलिगोपोली में जो फर्म्स होती है ना, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, मतलब कि इंटरडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे पे निर्भर होती है। और इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं, मतलब कि एक जैसे भी हो सकते हैं, और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, मतलब कि अलग अलग भी हो सकते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। ओलिगोपोली में लेकिन लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है। इसका मतलब कि इसमें फर्म्स ना छोटी बड़ी होती है, यानी कि अगर फर्म्स की साइज़ की बात करें तो फर्म्स के साइज़ के हिसाब से उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, यानी वो सेम सेम नहीं होती, कमी पाई जाती है कि एक फर्म छोटी होगी, एक फर्म बड़ी होगी। ओलिगोपोली में ना एंट्री बैरियर्स होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ओलिगोपोली में एंट्री बैरियर्स है, यानी एक बार किसी इंडस्ट्री में कोई फर्म आ गई तो आ गई, बाकी कोई अगर नई फर्म एंट्री करना चाहती है तो देखो ये दीवार है ना, ये एंट्री करने ही नहीं देगी, तो एंट्री बैरियर्स है। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हुई? ओके, सो मैंने इनको पॉइंट आउट किया है क्या क्या है ये। देखिए, मार्केट फॉर स्पेसिफिक गुड्स, यहाँ पे जो हम सामान, जो भी प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज जो भी करेंगे वो स्पेसिफिक होगा, ठीक है, जो भी हम सेल करेंगे। और यहाँ पे सेलर्स जो है वो कुछ ही संख्या में होते हैं। यहाँ पे फर्म एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है। यहाँ पे हाई बैरियर्स होती है, एंट्री नहीं कर सकते, है ना। और यहाँ पे मेन मोटिव यही होता है कि अपना रेवेन्यू, अपनी जो इनकम है ना, वो हम मैक्सिमाइज्ड कर सके। और यहाँ पे जो हमारी राइवल फर्म्स होती है ना, कम्पिटिटिव जो फर्म है, यानी कि हमारी फर्म के अपोजिट जो फर्म है, उसको सारा पता होता है कि भाई दूसरी फर्म क्या कर रही है, तो उस हिसाब से वो अपना डिसीजन चेंज करती है। होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कोई से भी हो सकते हैं। प्राइस रिजिडिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यानी प्राइस ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता प्राइस के ऊपर, प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर। और यूनिफॉर्मिटी ऑफ फर्म जो है उसमें कमी पाई जाती है। एग्जाम्पल इसका जैसे कि सीमेंट कंपनी होगी, कुछ एक आधी फेमस होगी, है ना, जेके सीमेंट, अंबुजा सीमेंट वगैरह वगैरह। और इसी तरह से एयरलाइन इंडस्ट्री होगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी, ऑटोमोबाइल में जैसे जनरल मोटर हो गया, फोर्ड हो गया, क्रिसलर हो गया, तो क्राइसलर हो गया, तो फिर यही है मतलब कि। तो यानी ज़्यादा फर्म्स तो नहीं है ना, ज़्यादा सेलर तो नहीं है ना, दो तीन ही सेलर है इस तरह की इंडस्ट्री में। तो ये हो गया हमारा ओलिगोपोली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक जो हमारा है, वो है किंग्ड डिमांड कर्व। ओलिगोपोली में शॉर्ट रन लॉन्ग रन का कोई खास चक्कर नहीं होता, बस उसमें ये है कि उसमें जो डिमांड कर्व बनता है ना, वो किंग्ड डिमांड कर्व बनता है। मतलब अगर आपको ये आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो किंग्ड का मतलब होता है झुका हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व होती है उसकी कमर में मोच आ रखी है, मतलब कि वैसे पैर में मोच आती है, तो आप समझ लो कि यहाँ पे जो डिमांड कर्व है ना वो झुका हुआ है, ठीक है, ओके भाई। तो देखो और क्या करता है ये डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व एक फर्म के बिहेवियर को शो करता है कि वो लोग ओलिगोपोली मार्केट की सिचुएशन में एक फर्म कैसा बिहेव करती है, तो उसको शो करेगा हमारा किंग्ड डिमांड कर्व। किंग्ड डिमांड कर्व को ये जो है, इसको लाने वाले कौन थे? पॉल स्विजी। पॉल स्विजी थे जो किंग्ड डिमांड कर्व को लेके आए। और उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, मतलब लाने का मेन मकसद क्या था, कि प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन कर सके। किंग्ड डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये जो है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट का एक फीचर है। और इसमें दो तरह की डिमांड बनेगी, इसलिए तो ये डिमांड कर्व झुका हुआ होता है, ठीक है, ओके। तो इसमें इलास्टिक और इनइलास्टिक दो तरह की डिमांड बनती है। तो सबसे पहले किंग डिमांड कर्व को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए किंग्ड डिमांड कर्व में क्या होता है, मान लो कि दो फर्म्स हैं आपके पास, ठीक है। तो एक फर्म ए है और एक कोई भी दूसरी फर्म है। तो फर्म ए क्या होता है कि इसमें देखो, मैंने इसमें बोला था प्राइस रिजिडिटी होती है, यानी कि प्राइस जो है ना वो आपको सेम रखना पड़ेगा, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे अगर आपने करा है ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फर्म ए क्या है, वो सोचती है कि भाई मैं ना अपना प्राइस बढ़ा देती हूँ, प्रोडक्ट का प्राइस। तो फर्म जैसे ही अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएगी, तो दूसरी जो राइवल फर्म है, अदर फर्म है,
वो तो ध्यान रखती है सब चीज़ों पे कि भाई हमारी कॉम्पिटिटिव फर्म क्या कर रही है, तो वो अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं करती। यानी दोनों के प्रोडक्ट का प्राइस मान लो 10 था, तो ए ने बढ़ा दिया 11 कर दिया, सॉरी 12 कर दिया मान लो, और जो दूसरी फर्म है उसने बिल्कुल नहीं बढ़ाया। तो इससे क्या होगा, फर्म ए के पास जो क्वांटिटी डिमांडेड थी ना वो कम होगी, और जो पैसा आ रहा था वो भी चला गया, यानी कि रेवेन्यू होगी कम। अब सारे जितने भी ग्राहक हैं वो किसके पास चले गए, अदर फर्म्स के पास, सारे कंज्यूमर इसके पास चले गए, तो फर्म ए को नुकसान हुआ। फिर फर्म ए ने सोचा कि चलो भाई मैं प्राइस कम कर देती हूँ। अब फर्म ए ने जैसे ही प्राइस कम किया तो अदर फर्म ने क्या किया, उसके देखा देखी प्राइस कम कर दिया, क्योंकि अगर ये प्राइस कम नहीं करेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसको, फिर इसके जो जितने भी कस्टमर हैं वो सारे इधर चले जाएंगे। तो जैसे ही फर्म ए ने प्राइस कम किया, जो दूसरी फर्म है उसने भी प्राइस कम कर दिया, तो इससे फर्म ए की डिमांड में थोड़ी बहुत इंक्रीज़ तो हुई, बट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाई, ठीक है, क्योंकि तुरंत अदर फर्म्स ने भी प्राइस जो है वो अपना कम कर दिया। तो यहाँ पे देखो, फर्म ए ने जैसा ही अपना बिहेवियर चेंज किया, एक बार प्राइस बढ़ाया, तो अदर फर्म का क्या रिएक्शन रहा, और जैसे ही फर्म ने प्राइस कम किया तो अदर फर्म का क्या रिएक्शन रहा, इस रिएक्शन को हम जो है किंग्ड डिमांड कर्व से शो करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ये मान लेते हैं हम फिक्स्ड प्राइस ये हमारा था ए फर्म का। फिर ए फर्म ने क्या सोचा कि मैं इस प्राइस को बढ़ा दूँ, यानी पी वन से वो ले आई पी टू पर, इतना प्राइस ले आई। तो जब इतना प्राइस था तो क्वांटिटी थी इतनी, ठीक है, ब्लू वाली जो पेन से शो कर रखी है इतनी क्वांटिटी थी। फिर इसने प्राइस बढ़ाया, पी टू कर दिया, प्राइस बढ़ाते ही देखो कितनी क्वांटिटी कम होगी, यहाँ पे आ गई क्वांटिटी। फिर इसने सोचा कि भाई तेरी तो रिवेन्यू गई और क्वांटिटी भी कम होगी, सारा काम ठप हो जाएगा ऐसे तो। तो फिर इसने सोचा कि चलो मैं क्या करती हूँ, प्राइस को कम कर देती हूँ, पी वन से मैं पी ज़ीरो पे ले आती हूँ अपने प्राइस को। तो प्राइस उसने कम कर दिया, नीचे ले आई वो, पी ज़ीरो पे ले आई। जैसे ही वो प्राइस नीचे लेके आई तो तब उसकी थोड़ी बहुत क्वांटिटी बढ़ी है, लेकिन फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं हम कि सिर्फ स्मॉल ही इंक्रीज़ हुआ है। तो इस तरह से जो डिमांड कर्व बना, इन पॉइंट्स को जैसे हमने मिलाया, तो एक पॉइंट्स यहाँ पे मिला और एक ऐसे, यानी वो डिमांड कर्व ना तो बिल्कुल सीधा ऐसे था, ना ही हॉरिजॉन्टल लाइन थी, बिल्कुल सीधी नहीं थी, ना तो ये झुकी हुई लाइन बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह की डिमांड है, इसीलिए इसको ड्यूअल डिमांड कर्व भी बोला जाता है। ड्यूअल डिमांड कर्व में फर्स्ट जो है इलास्टिक डिमांड बनी है, सेकंड इनइलास्टिक। और ये कैसे पता चला, ये आप डिमांड कर्व जब मैंने करवाए ना उसके टाइप्स, वहाँ से पता चलेगा इलास्टिक कौन सा होता है, इनइलास्टिक कौन सा होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था किंग्ड डिमांड कर्व वाला, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं लास्ट टॉपिक, जिसमें से हो सकता है कि क्वेश्चंस आ जाएं, तो वो हम पढ़ लेते हैं। सो दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक, ओलिगोपोली के टाइप्स। तो हो सकता है भाई इनमें से भी क्वेश्चन आ जाए, तो हमें पता होना चाहिए, है ना। तो नेचर के हिसाब से ओलिगोपोली दो टाइप की होती है, प्योर और डिफ्रेंशिएटेड। प्योर ओलिगोपोली कौन सी ओलिगोपोली होती है, जिसमें कि जब दो फर्म्स होंगी, क्योंकि हमने बोला था कि प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं ओलिगोपोली में, एक होमोजीनियस और सेकंड हेट्रोजीनियस। तो अगर मान लो होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो वो प्योर ओलिगोपोली वाली फर्म है, और अगर जो भी फर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड हैं, यानी कि हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है, तो वो फर्म डिफ्रेंशिएटेड ओलिगोपोली होगी। तो प्योर ओलिगोपोली कौन सी होगी, जो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट में सेलिंग वगैरह कर रही है, और डिफ्रेंशिएटेड ओलिगोपोली कौन सी होगी, जो कि हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट में सेलिंग वगैरह कर रही है। फिर ओपननेस के हिसाब से ओलिगोपोली फिर से टू टाइप्स की होती है, ओपन मार्केट और क्लोज्ड मार्केट। ओपन मार्केट ओलिगोपोली वो होती है जिसमें कि, वैसे तो हमने पढ़ा है कि ओलिगोपोली में एंट्री नहीं कर सकते, है ना, बैरियर्स होते हैं, बट अगर टाइप्स में देखें तो दो तरह की होती है। ओपन मार्केट में कि जिसमें कोई भी फर्म आराम से आ जा सकती है, मतलब कि एंट्री का कोई बैरियर नहीं है, और क्लोज्ड मार्केट में वो फर्म आती है जिसमें स्ट्रिक्टली बैरियर है, एंट्री नहीं कर सकती, ठीक है, यानी हाँ भैया। फिर कोल्यूसिव और कॉम्पिटिटिव। कोल्यूसिव ओलिगोपोली वो फर्म होती है जिसमें कि फर्म कोलाबोरेशन से काम करती है, यानी मिलजुल के, है ना, भाईचारे के साथ। और कॉम्पिटिटिव वो होती है जिसमें एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करती, बल्कि कॉम्पिटिशन रहता है फर्म्स के बीच में कि भाई मेरे पास ज़्यादा कस्टमर आने चाहिए, मेरी रेवेन्यू ज़्यादा होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पार्शियल। पार्शियल ओलिगोपोली वो होती है जिसमें कोई भी एक फर्म जो होती है उसका पूरे मार्केट पे एक होल्ड होता है, यानी कि वो जो है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस और इसके अलावा कितनी आउटपुट हमें प्रोड्यूस करनी है ना, तो उन सब पे उसका कंट्रोल होता है, और बाकी फर्म्स जो होती है वो उसको जस्ट फॉलो करती है पार्शियल ओलिगोपोली में। लेकिन फुल ओलिगोपोली में क्या होता है,
किसी भी तरह का प्राइस कंट्रोलिंग नहीं होती, क्योंकि हमने ओलिगोपोली के फीचर्स पढ़े थे जिसमें हमने पढ़ा था प्राइस रिजिडिटी, राइट। तो दैट मींस के प्राइस पूरा मतलब वो होता है, तो यानी प्राइस कंट्रोलिंग का कोई सिस्टम नहीं होता, तो वो फुल ओलिगोपोली मानी जाती है। नेक्स्ट है सिंडिकेटेड। सिंडिकेटेड कौन सी होती है, जिसमें कि छोटी छोटी ग्रुप्स ऑफ फर्म्स जो मिलके कंट्रोल करती है किसी भी प्रोडक्ट की सेल, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली में सारी फर्म्स कंट्रोल करती है कि सेल कितनी होनी चाहिए, उस पर कंट्रोल करेगी आउटपुट पे और प्रोडक्ट के प्राइस वगैरह पे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ठीक है आप लोग, अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ इसके बाद, और साथ में आपको MCQs प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।